लेकिन लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया सर, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है, वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिक पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा के माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं कर रही है, तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझे सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आप ये समझे सर, ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इसको रखने को तैयार हूं, और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्यता से उसी दिन निकाल दीजिएगा सर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए सर, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये फाउंडेशन के जितने इनके केस हैं, नेशनल हेराल्ड के जितने केस हैं, उसकी असेसमेंट करें। हाईकोर्ट का आदेश सर, हाईकोर्ट का आदेश आ गया, हाईकोर्ट का आदेश आ गया कि इसको जो है सेंट्रलाइज करना, ये हाईकोर्ट का आदेश है सर। अभी अभी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आप समझिए कि इनकम टैक्स से बचने के लिए एक लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है, ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। और ये कह रहे हैं कि केवल हमारे ऊपर ये चीजें होती है। यहाँ जीएम सिद्धेश्वर बैठे हुए सर, हमारे पार्टी के सांसद हैं जीएम सिद्धेश्वर, अब भी 80 करोड़ रुपया उन्होंने इनकम टैक्स में भरा है सर। यदि मोदी जी आपको चोर कहने की बात करते हैं तो अपने पार्टी के भी लोग जो दोषी हैं उनको भी 80 करोड़ रुपया दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं सर, जीएम सिद्धेश्वर को 80 करोड़ देना पड़ा, बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं, और आप इनकम टैक्स के लिए बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो। ईडी की रेड होती है सर, और मैं आपको बताऊं कि एक भाग गया है, भंडारी है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि भंडारी कोई भी हो सकता है सर, किसी भी दिन वो यूके से लौट कर आ जाएगा। मैंने इसी हाउस में कहा था कि किसी आदमी का जो है, दामाद जी का जो है मकान है लंदन में, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर। एक आदमी जो भागा उसका नाम है सीसी थम्पी, कोर्ट के आदेश के बाद उसका बेल हुआ, इस कोर्ट का ऑर्डर है सर। उस कोर्ट के ऑर्डर में सीसी थम्पी ने यह एक्सेप्ट किया कि उसने जो दामाद जी हैं, दामाद जी के नाम पर, कौन दामाद, कोई भी दामाद हो सकता है, इनको दामाद जी से क्या प्रॉब्लम है सर, मेरा भी दामाद हो सकता है। 12 ब्रांसन स्क्वायर थम्पी ने, जिसको थम्पी ने कोर्ट ने आदेश दिया कि जब जरूरत होगी तुम आ जाना, आप समझिए कि वो भाग गया। उसने कहा कि 12 ब्रांसन स्क्वायर जो है हमारा है। उसी तरह से संजय भंडारी का जो आने वाला है सर, यूके कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें ये बात कहा है कि दामाद जी का वो मकान है, आप क्यों भाग रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। कल जो है सर, कल मेरी बात पर जो है बड़ा हंगामा हुआ, न्यूज क्लिक।